बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्लान तैयार है। ऐसा हुआ तो सपा का भविष्य दांव पर लग जाएगा। जो मायावती सोच रही हैं, वो बदल देगा सियासत। बीएसपी ब्राह्मणों पर खेलेगी अब तक का सबसे बड़ा कार्ड। यूपी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अपने पत्ते लगभग खोल चुकी है, लेकिन मायावती का पत्ता अब भी बंद है। मायावती के पास एक कार्ड ऐसा है जो अखिलेश यादव के कार्ड को नुकसान पहुंचा सकता है। पहले आपको ये समझना होगा कि बीएसपी की ताकत क्या है और बीएसपी इतने लंबे समय से एक ही धारा में कैसे चल रही है। बीएसपी मतलब मायावती और मायावती मतलब दलितों की मसीहा। दलित कहें कुछ भी, लेकिन जाते हैं मायावती के ही साथ। इसलिए कहा जाता है कि उनके पास 20-22% वोट फिक्स है। अब 20-22% वोट से कोई जीत तो नहीं सकता, उसके लिए चाहिए कम से कम 25-35% वोट, और मायावती अभी उसी पर काम कर रही है। मायावती ब्राह्मण वोट के लिए एक खास रणनीति बनाएंगी। मायावती के फिलहाल सबसे भरोसेमंद नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा। मायावती को पता है कि इस बार कुछ भी करें सरकार नहीं बनेगी। ऐसे में भविष्य को बचाने के लिए मायावती दो बड़े ट्रम्प कार्ड खेल सकती हैं। मायावती सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर सकती हैं ताकि ब्राह्मणों में भरोसा बढ़े। मायावती जानती हैं कि अगर बीएसपी के साथ ब्राह्मण आ जाएं तो बीएसपी सत्ता में रह सकती है, चाहे हाथ बीजेपी से ही मिलाना हो। मायावती डिप्टी सीएम की शर्त पर तैयार नहीं होंगी, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी डिप्टी सीएम के लिए अप्रोच कर सकती है। ऐसा तब सोचा जाएगा जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आएंगे या बहुमत नहीं आएगा। मायावती का प्लान साफ है, अखिलेश यादव को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर करना। अगर ऐसा होता है तो बीएसपी अपनी पार्टी बचा लेगी और लोकसभा में वापसी कर लेगी। ये नवंबर 2016 की बात है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे थे। सार्वजनिक तौर पर पहली बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बबुआ और इससे भी आगे समाजवादी बबुआ कह दिया था। हालांकि इससे करीब 3 साल पहले टीवी चैनल आज तक के एक प्रोग्राम में अखिलेश यादव ने एंकर को टोकते हुए कहा था कि मायावती जी को हम लोग तो बहन जी नहीं कह सकते, बुआ जी कह सकते हैं। फिलहाल परिवार की दुश्मनी ही कहानी बनती है। अच्छे वक्त की चाहत में दोनों ने रिश्ता जोड़ा, लेकिन अखिलेश ने मायावती को ज्यादा हल्के में ले लिया, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। बीएसपी की तरफ से आजकल फील्ड में महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ही नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब जाकर अकाली दल नेता सुखबीर बादल के साथ मंच से बीएसपी के गठबंधन की घोषणा भी करते हैं और अयोध्या पहुंचकर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी। ब्राह्मणों को कुछ देने के नाम पर मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के लिए कुछ सोच भी रखा है क्या? दलित राजनीति करती आई मायावती का ज्यादा जोर फिलहाल ब्राह्मणों पर नजर आ रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक से हद से ज्यादा उम्मीदें लिए बैठी मायावती ने अकेले दम पर ही यूपी चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है और बीएसपी के ब्राह्मण फेस सतीश चंद्र मिश्रा को जगह जगह भेजकर ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं। उम्मीद है कि ये कार्ड अगर बीएसपी ने खोला तो बीजेपी की सरकार तय होगी और भविष्य बीएसपी का तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।